अगर आपको वाटर, फायर, वाटर पडल्स, सरफेस इम्परफेक्शन, क्लाउड्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, पूरा यूनिवर्स क्रिएट करना हो तो ये सब आप एक सिंपल टेक्सचर के द्वारा क्रिएट कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड नॉइस टेक्सचर। दिस इज मोस्ट पावरफुल एंड माई पर्सनल फेवरेट टेक्सचर इन ब्लेंडर। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप नॉइस टेक्सचर के द्वारा ये सब इजीली क्रिएट कर सकते हो। सो नॉइस टेक्सचर को यूज़ करने के लिए सिंपली अपन एक शेडर एडिटर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे शिफ्ट एक के साथ अपन नॉइस टेक्सचर ऐड कर लेंगे। देन कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक करके अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपन नॉइस टेक्सचर कुछ इस प्रकार का दिखता है। देन इसके बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉइस टेक्सचर के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, स्केल वैल्यू, जिसके द्वारा आप अपने नॉइस टेक्सचर के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। देन डिटेल के द्वारा आप अपने टेक्सचर में डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। रफनेस के द्वारा आप अपने टेक्सचर की रफनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड डिस्टोर्शन के द्वारा आप अपने टेक्सचर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो या डिस्टोर्शन ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे ऊपर देखें तो अपने पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। चूंकि अपन 3D सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो ये डिफ़ॉल्ट 3D में ही रहता है। अगर यहाँ पे अपन 4D को सेलेक्ट करें तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास एक एक्स्ट्रा W वैल्यू भी आ जाती है, जिसके द्वारा आप अपने टेक्सचर के शीट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब आप या तो इसे एनिमेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या अपने टेक्सचर के डिफरेंट लुक्स के लिए यूज़ कर सकते हो। अब अगर हम नॉइस टेक्सचर के साथ बम्प नोड कनेक्ट करते हैं और कलर एडजस्टमेंट करने के बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना प्लेन वाटर सरफेस की तरह दिखाई दे रहा है। अब चाहो तो आप इसे एनिमेट कर सकते हो, तो सिंपली आपका एक वाटर सरफेस क्रिएट हो गया है। अब अगर अपन नॉइस टेक्सचर को कलर रैम के साथ कनेक्ट करते हैं तो कलर रैम के द्वारा आप अपने नॉइस टेक्सचर के कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। देन कलर रैम को अगर रफनेस में कनेक्ट करते हैं तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने पास कुछ सरफेस इम्परफेक्शन वाला टेक्सचर क्रिएट हो गया है, जो अपने काफ़ी सारी आर्ट वर्क्स में देखा होगा। नाउ इसे अगर अपन बम्प के साथ कनेक्ट करते हैं तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने पास इजीली वाटर पडल्स क्रिएट हो गए हैं। आप इस सिंपल सेटअप को काफ़ी सारी आर्ट वर्क में यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अब हम बात करेंगे अपन नॉइस टेक्सचर के द्वारा क्लाउड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉइस टेक्सचर के द्वारा क्लाउड क्रिएट करने के लिए क्यूब ऐड कर लेंगे, देन शेडर एडिटर में आके प्रिंसिपल वॉल्यूम ऐड कर लेंगे। डिस्क्लेमर, नॉइस टेक्सचर के साथ अपन वॉल्यूम शेडर यूज़ करते हैं तो अपना सीन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो आप अपने कंप्यूटर के सिस्टम के हिसाब से ही इन वैल्यूज़ को यूज़ करना। देन नॉइस टेक्सचर ऐड करके इसको कलर रैम के साथ कनेक्ट करके अपन इसे सिंपली डेंसिटी में कनेक्ट कर देंगे। नाउ कलर रैम को एडजस्ट करने के बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने सीन में क्लाउड क्रिएट हो गए हैं। फॉर बेटर व्यू मैं यहाँ पे एक सिटी का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने क्लाउड अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। आप अपने सीन के हिसाब से आप इन नॉइस टेक्सचर की वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अपन नॉइस टेक्सचर के द्वारा प्लेनेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैं एक आइकन इस पर ऐड कर लेता हूं एंड इसे सब डिवाइड करने के बाद अपन यहां पे एक सन ऐड कर लेंगे। देन न्यू टेक्सचर ऐड कर लेंगे एंड यहां पे नॉइस टेक्सचर एंड कलर रैम ऐड करके अपन इसे बेस कलर्स में कनेक्ट कर देंगे। देन कलर रैम को एडजस्ट करने के बाद अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना नॉइस टेक्सचर कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। अब हम कलर रैम को डुप्लीकेट करके इसको आगे कनेक्ट कर देंगे एंड सरफेस एंड वाटर के कलर को क्रिएट कर लेंगे। देन एडजस्टमेंट करने के बाद अपन इसमें थोड़ा बम्प नोड ऐड कर लेंगे, जिससे अपने सरफेस में कुछ डिटेल्स क्रिएट हो जाएगी। अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना प्लेनेट कुछ इस प्रकार का क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना प्लेनेट रेडी हो गया है। अब इसमें क्लाउड ऐड करने के लिए सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लेंगे एंड सिंपली यही मेथड दोबारा रिपीट कर लेंगे। अगर आप ईवी यूज़ कर रहे हो तो अपन मेटेरियल में आके यहाँ पे ब्लेंड मोड को अल्फा ब्लेंड कर लेंगे। अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना प्लेनेट एंड क्लाउड्स क्रिएट हो गए हैं इन अ सिंपल वे। अब आप नॉइस टेक्सचर को एडजस्ट करके अपने लिए डिफरेंट प्लेनेट्स क्रिएट कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं कि नॉइस टेक्सचर के द्वारा अपन गैलेक्सी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉइस टेक्सचर के द्वारा गैलेक्सी क्रिएट करने के लिए कुछ इस प्रकार का नोड सेटअप होता है। आई नो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इस सेटअप को मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हो एंड गैलेक्सीज क्रिएट कर सकते हो। नॉइस टेक्सचर के द्वारा नेबुलाज या डस्ट क्लाउड क्रिएट करने के लिए सिंपली कुछ इस प्रकार का सेटअप होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद अपन सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना इस प्रकार का सीन क्रिएट हो गया है। तो इन सभी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो एंड आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई भी इश्यू होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड अगर आपको इनकी ब्लेंड फाइल चाहिए तो आप उसके लिए मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंजॉय योर क्रिएटिविटी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।